तो चैप्टर चल रहा था हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसी के अंदर आज आगे करते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ी ली है, तो आज मैं उस बिजनेस की क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। ये फॉर्मेट देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की पूरा, मतलब एक ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। इसमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि प्राइमरी क्या होता है या सेकेंडरी क्या होता है, तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें हर चीज को आपको समझना है, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके पार्ट्स आते हैं एग्जाम में। तो समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की दो क्लासिफिकेशन है, एक होती है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। बिजनेस एक इंडस्ट्री जहां पे बनाई जाती है चीजें, ठीक है, और कॉमर्स मतलब जहां पर ट्रेडिंग की जाती है, बेची जाती है चीजें, वो कॉमर्स होता है। तो इंडस्ट्री तीन टाइप की, पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूं, फिर एक एक करके डिटेल में सबको समझाऊंगा। इंडस्ट्री तीन टाइप की, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। ये अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है कि तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री आगे दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री फिर से आगे दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग आगे चार टाइप की हो जाती है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये चार टाइप की हो गई मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कॉमर्स में आ जाते हैं, कॉमर्स दो टाइप का, एक ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ठीक है, अभी हर चीज को डिस्कस करेंगे। ट्रेड आगे दो टाइप का, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रेड फिर तीन टाइप का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंट्रापोर्ट। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड जो है वो चार टाइप के, सॉरी पांच टाइप के, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। अब एक एक करके इन सबको डिटेल में स्टडी करते हैं, इन सबका मैं मीनिंग बताऊंगा आपको कि क्या चीज है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री मतलब मैंने क्या बताया कि जहां पर चीजों को बनाया जाता है ना। तो इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ी चुके हो, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज चाहे वो अब जमीन है या पेड़ है ना, इनसे या सी है, तो इनसे हम इनको यूज करके जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फार्मिंग करते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री में, पोल्ट्री फार्म है, मिल्किंग है, तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री आगे दो टाइप की होती है, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से हम कुछ निकालते हैं, जैसे कि माइनिंग करना। अब माइनिंग करते हैं, उससे अंदर क्या करते हैं कि नीचे जमीन के अंदर जो कोयला है उसको निकालते हैं ना, तो ये एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो ये एक्सट्रैक्टिव है, ठीक है प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की, एक्सट्रैक्टिव जो जमीन से कुछ निकालना या सी में से कुछ निकालना, या जैसे हम नीचे ऑयल निकालते हैं, ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है जमीन के अंदर से, तो ये जो है एक्सट्रैक्टिव का एग्जाम्पल हो गया, है प्राइमरी में क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से ही है। और दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब जिसके अंदर हम लाइव स्टॉक को यूज करते हैं, लाइव का मतलब जिंदा स्टॉक यूज करते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जिसके अंदर हम मान लिया हमने डेयरी फॉर्म्स है हमारे पास, हम गाय और भैंसे हमारे पास, मिल्किंग करते हैं हम, या फिशरीज प्लांटेशन करते हैं, तो ये सब जेनेटिक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होगी, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव जो प्राइमरी इंडस्ट्री कैसी हुई, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम नेचर से यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ निकालते हैं, जैसे कि माइनिंग करना, जमीन के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कोयले की माइनिंग होती है ना, कोल की, तो वो एक्सट्रैक्टिव हुई है, वो प्राइमरी ही लेकिन एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे उसे, कि एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री है वो, ठीक है। जेनेटिक में क्या होता है, जिसके अंदर हम ब्रीडिंग करते हैं, चाहे वो प्लांटेशन है उसकी ब्रीडिंग हो, या हम जैसे डेयरी फॉर्म्स होते हैं है ना, या पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं, या फिशरीज होता है, ये सब जेनेटिक के अंदर आता है, जिसके अंदर हम ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन वाला काम करते हैं, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया। मैं इसके एग्जाम्पल लिखता जाता हूं, आपको याद रखने में इजी रहेगा। तो इसके अंदर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं माइनिंग, ठीक है,
और इसके अंदर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, पोल्ट्री फॉर्म्स, ठीक है। चलो तो प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की हो गई, एक्सट्रैक्टिव समझ में आ गया, चैरिटिक, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी का मतलब पता ही आपको, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री देखो कितने टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग। अब तक आप सेकेंडरी को सिर्फ यही समझते थे कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में देखो क्या क्या होता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक कंस्ट्रक्शन होती है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग तो पता ही है आपको, कंस्ट्रक्शन का मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है, डैम्स बन रहे हैं, है ना। तो ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही काउंट करते हैं हम इसको। तो यहां एग्जांपल लिख देता हूं मैं, बिल्डिंग, डैम्स, तो ये सब जो हो गई कंस्ट्रक्शन जितना ही वर्क है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ये आ गया। और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग भी काउंट इंक्लूड होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर चार टाइप की, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। अब ये क्या है सुनो, तो इसमें सबसे पहली है एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें चीजों को एनालाइज करके सेपरेशन किया जाता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है ना। ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम तो यहां प्राइमरी में हो गया। एक बात ध्यान रखना, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, इसको रॉ मटेरियल यहां से मिलता है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट करती है, ब्रीडिंग करती है, इनको देती है रॉ मटेरियल, फिर ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो इनसे रॉ मटेरियल इनको मिलता है, तब ये इंडस्ट्री चलती है। तो वापिस आ जाते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री मैंने बताया कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल। हाँ, मैं बात कर रहा था एनालिटिकल जो इंडस्ट्री है वो कौन सी होती है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी का मतलब हो गया जैसे कि जब जमीन से कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, तो वो तो एक्सट्रैक्टिव हो गया, माइनिंग करके निकाला, इन्होंने इनको बेचा, तो ये है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या करेगी, उस क्रूड ऑयल में से अलग अलग चीजों को, मतलब हर स्टेज पे कुछ चीजें निकलती है, जैसे कि क्रूड ऑयल को जब थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं तो इसमें से डीजल निकलता है, पेट्रोल अलग किया जाता है उसके अंदर से, फिर वैक्स अलग की जाती है, तो ये सब चीजें एनालिटिकल में काउंट होती हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अमूल आपने नाम सुना होगा, जो डेयरी फॉर्म्स है वो तो जेनेटिक में आ गया है ना, प्राइमरी इन्होंने डेयरी फॉर्म्स में मिल्किंग की, बहुत सारे गाय भैंसे इनके पास फॉर्म है मिल्किंग की, वो मिल्किंग करके इन्होंने इंडस्ट्री वालों को बेच दिया, किसको, सेकेंडरी को, यानी कि अमूल, अमूल वाले को बेच दिया। तो अमूल वाले ने क्या किया, एनालिटिकल इंडस्ट्री है उसके पास, वो क्या करता है कि उस दूध में से अलग अलग स्टेजेस पर उस दूध से वो मक्खन भी बना के बेचता है, अमूल बटर, उसी से वो दही अमूल कर्ड भी बना के बेचता है, उसी से वो लस्सी भी बनाकर बेचता है, उसी से वो मिल्क भी बेचता है, मिल्क भी टोंड अलग और फुल क्रीम अलग। तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर सेपरेशन किया जाता है, अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं एक प्रोडक्ट में से, ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसका मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं यहां पर अमूल, आपको याद रहेगा। उसके बाद दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है वो होती है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन दो टाइप के केमिकल्स को मिलाकर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सिंथेटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हो वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आता है, जिसके अंदर जैसे कि आपका फेस पाउडर है, वो कैसे बनता है, वो कई सारे दो तीन केमिकल्स को मिला के कंपोजिशन करके वो सिंथेटिकल है, ठीक है। जैसे कि आपके मॉइस्चराइजर क्रीम है वो कैसे बनती है, तो वो सिंथेटिकल है, ठीक है। तो मैं याद रहेगा इसलिए लिख रहा हूं यहां पे कॉस्मेटिक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ये कैसी इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं, लेकिन वो फिनिश्ड गुड्स आगे और भी प्रोसेस करने लायक होता है, अभी वो डायरेक्टली यूज करने के लिए नहीं होता। जैसे सिंथेटिक में चीज बनी वो डायरेक्टली यूज करने के लिए बनी, जैसे एनालिटिकल में चीज बनी सेपरेट किया गया तो वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स में प्रोसेस किया जाता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब हो गया जैसे कि कॉटन है, अब कॉटन के वो जो प्लांटेशन की गई, एग्रीकल्चर किया गया, वो तो एक्सट्रैक्टिव में आ गया,
ठीक है, उन्होंने कॉटन बनाकर दे दिया सेकेंडरी को, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी, उसे धागा बनाएगी, उससे कपड़ा बनाएगी, है ना, टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं, तो ये प्रोसेसिंग में आ गया। या पेपर इंडस्ट्री होती है, यहां पर एक्सट्रैक्टिव में क्या किया, प्लांटेशन की गई, वो कुछ पेड़ काटे गए, उगाए गए, उसके बाद उन्होंने इसको इनको दे दिया। यहां ये पेपर इंडस्ट्री है, उससे उसने पेपर बनाया। देखो ये पेपर हो चाहे कपड़ा हो, ये अभी सेमी फिनिश्ड है, फिनिश्ड नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा आगे फिर टेलर के पास जाएगा, या उसको गारमेंट्स जो फैक्ट्री वाले खरीदेंगे उससे उसकी वो शर्ट बनाएंगे तब बेचेंगे। तो फिलहाल ये सेमी फिनिश्ड का काम करते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, टेक्सटाइल या पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इसका एग्जांपल आपको याद रहेगा। और आखिरी वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है असेंबलिंग। असेंबलिंग वाले क्या करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल ये क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लेकर अलग अलग कंपनीज से, बस इनका काम होता है उसको जोड़कर एक नया कंपोनेंट बना देना, एक नया प्रोडक्ट बना देना। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है सारी, ये क्या करती है, प्रोसेसर कहीं से लिया, मॉनिटर किसी और कंपनी का, ठीक है, और रैम किसी और कंपनी की, और वायर किसी और कंपनी का, और वो जो सीपीयू बॉक्स है वो किसी और कंपनी का, वो सब लेकर असेंबल करके वो एक कंप्यूटर तैयार कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ऑटोमोबाइल है, जैसे कार है, मारुति कार, आपने देखो मारुति कार के अंदर जो ग्लास लगा होता है, विंडशील्ड जो आगे का ग्लास है, या जो उसके विंडो पे ग्लास होते हैं, वो मारुति कंपनी के नहीं होते कभी भी, उसके ऊपर पड़ना वो किसी और कंपनी के हैं। उसके अंदर जो टायर लगे हुए हैं वो MRF के हैं। तो मारुति कंपनी क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनियों से खरीदा, ठीक है, उसको असेंबल किया, एक कार बनाई और बेच दी। है तो वो सेकेंडरी ही है, तो वो इंडस्ट्री ही, कार की एक इंडस्ट्री है, लेकिन वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, अब लास्ट है टैजरी इंडस्ट्री। टैजरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, टैजरी इंडस्ट्री इन दोनों इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, ये दोनों इंडस्ट्री तब तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक ये इंडस्ट्री ना हो। वो कैसे, मान लिया ये फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग क्या बिना बिजली के हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या उसमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, चाहिए। क्या उसमें बैंक पैसे का लेन देन के लिए बैंक नहीं चाहिए, चाहिए। क्या उसके अंदर इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इन सब को करने के लिए, मतलब चाहे एक्सट्रैक्टिव हो जनरेटिव हो, इंटरनेट भी चाहिए, कम्युनिकेशन फोन वगैरह भी चाहिए, है ना। तो ये सब जो इंडस्ट्री, ये जो मैंने सारे एग्जांपल लिए, जो इनकी हेल्प करने के लिए जो है, वही टैजरी इंडस्ट्री में आता है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो पावर हो, ठीक है, ये सब टैजरी इंडस्ट्री में आता है। चाहे वो सेकेंड, अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करनी है तो भी ये चाहिए। जैसे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, इन सब के लिए क्या पावर नहीं चाहिए, चाहिए। इंश्योरेंस भी चाहिए इनको, इनको बैंकिंग भी चाहिए, है ना, इनके लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, इधर उधर माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए ना। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, पावर, ये सब कहां, ये कौन, ये जिस इंडस्ट्री में बनता है उसे कहते हैं टैजरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक तरह से सर्विसेज देती है इन दोनों इंडस्ट्री को। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पावर जनरेशन वगैरह वगैरह, तो ये सब टैजरी इंडस्ट्री में आता है। तो एक बार फिर से मैं पूरी इंडस्ट्री को रिव्यू कर देता हूं। इंडस्ट्री तीन टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टैजरी। प्राइमरी वो जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम चीजें लेते हैं, दो टाइप की, एक्सट्रैक्टिव, जमीन से एक्सट्रैक्ट करना या पानी में से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, माइनिंग एग्जांपल इसका। और जेनेटिक कौन सी, जिसके अंदर हम ब्रीडिंग करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की ब्रीडिंग हो, चाहे वो पोल्ट्री फॉर्म्स हो, चाहे वो पिगरी फॉर्म्स हो, ये सब इसके अंदर आता है, या मिल्किंग हो, ये सब जेनेटिक में। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी दो टाइप की मैंने बताई थी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में डैम्स, बिल्डिंग वगैरह एग्जांपल लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग आगे चार टाइप की, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या, जिसमें चीजों को सेपरेट किया जा सकता, जिसके अंदर मैंने अमूल का एग्जांपल दिया था। सिंथेटिकल, जिसके अंदर केमिकल्स को, दो तीन केमिकल्स को मिला के एक चीज बनती है, जिसमें कॉस्मेटिक्स आपका एग्जांपल दिया था। प्रोसेसिंग के अंदर मैंने बताया था सेमी फिनिश चीजें बनती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा बन गया, पेपर इंडस्ट्री पेपर बन गया। ठीक है, वो आगे जाके, अभी वो टेक्सटाइल मैंने बताया था कि वो कपड़ा अभी आगे शर्ट बनेगा, वो बात की बात है। पेपर जो है उसकी कॉपी बनेगी, वो बात की बात है। तो ये सेमी फिनिश गुड्स बनाते हैं प्रोसेसिंग वाले। और ये असेंबलिंग के अंदर मैंने बताया था अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम कॉमर्स वाले पार्ट पे। कॉमर्स के अंदर दो टाइप्स, एक ट्रेड
और एक ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या, चीजों की सेल परचेज करना, बनाना नहीं, ध्यान रखना इसके अंदर बनाना नहीं है, सेल परचेज करना है, ठीक है, ट्रेडिंग करना है, बेचना खरीदना है। तो ये दो टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हमारी कंट्री के अंदर अंदर खरीदना बेचना, सेल परचेज जो हमारी डोमेस्टिकली सेल परचेज हो रही है वो इंटरनल है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं डोमेस्टिक। उसके बाद एक्सटर्नल क्या होती है, जिसके अंदर बाहर की कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो यानी कि बाहर से मंगवा रहे हो सामान, या एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर की कंट्री को बेच रहे हो, या एंट्री पोर्ट कर रहे हो कि इधर इस कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में बेच दिया। एग्जाम्पल, आपने चाइना से एक प्रोडक्ट लिया, अपने लिए नहीं लिया, इंडिया में यूज नहीं हुआ, चाइना से लिया और आपने यूएस को एक प्रोडक्ट बेच दिया, चाइना से लेकर यूएस को बेच दिया, तो वो एंट्री पोर्ट है। तो इस तरह से एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज तीन टाइप की, इंपोर्ट प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया में, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जा रहा है इंडिया से, और एंट्री पोर्ट का मतलब एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये एंट्री पोर्ट। उसके बाद तो ये ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब जो ट्रेड में हेल्प करते हैं वो सारी सर्विसेज को हम ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में मानेंगे। अब आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड यानी कि जो बिजनेस में हेल्प करने वाले हैं वो तो हमने यहां भी पढ़े थे। बिल्कुल सही, ये जो टेरिटरी है, ये जो टेरिटरी इंडस्ट्री है, यही एक तरह की ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हो आप इसको, ये सेम ही है। तो इसको यहां पर डिटेल ना देखकर इसकी डिटेल आप यहां देखो। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में क्या क्या शामिल होता है, पांच चीजें। ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने बताया भी था कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के क्या कोई ट्रेड पॉसिबल है, या कोई इंडस्ट्री पॉसिबल है, क्या ये कुछ काम चल सकता है अगर इनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, सामान इधर उधर ले जा ही नहीं पाए तो कैसे बिजनेस होगा, कैसे इंडस्ट्री चलेगी, है ना। तो ये ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, पहला ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा वेयर हाउस, ये जो इंडस्ट्री है इनको, अब ये तो है ना कि गुड्स बन गया और बेच दिया, नहीं, अब इनको गुड्स बनता है तो रखना भी पड़ता है उसको कुछ टाइम तक, स्टोर करते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बेचते हैं, रॉ मटेरियल इनके पास आता है, रॉ मटेरियल को भी रखना पड़ता है, ये तो नहीं कि जितनी जरूरत होगी उतना मंगाएंगे, बनाएंगे और बेच देंगे, नहीं, स्टोर करते हैं। तो कहां स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में, तो ये भी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है। उसके बाद इंश्योरेंस, हर एक बिजनेसमैन क्योंकि रिस्की है तो वो इंश्योरेंस भी करा के रखता है, चाहे वो फार्मर है आज वो भी इंश्योरेंस कराते हैं अपनी फसल का, है ना। तो इंश्योरेंस या कोई भी बिजनेसमैन है अपनी शॉप को इंश्योर्ड करवाता है कि आग तूफान बारिश इस सब से बचने के लिए, तो इंश्योरेंस भी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का पार्ट है। उसका एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बिना, एडवर्टाइजमेंट के बिना ये कुछ भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड है, ट्रेड में हेल्प करता है। और बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑब्वियसली पैसों का जो लेन देन है, ठीक है, वो सारा कैश में नहीं होता है, वो सब बैंक के थ्रू भी होता है, चेक से होता है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो ई बैंकिंग कुछ भी कह लो, या फिजिकली बैंक में जाकर जो भी काम होते हैं वो सब बैंकिंग एंड फाइनेंस में होते हैं। जैसे लोन लेना, बिजनेसमैन बिना लोन के कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हम फाइनेंस एंड बैंकिंग में कवर करते हैं। तो देखो, एक्सेसरीज ऑफ ट्रेड अपने आप में बिजनेस तो है ही, साथ में ये इन बिजनेस की हेल्प के लिए है, ठीक है, और अगर ये बिजनेस नहीं होंगे तो इन सब का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, इसलिए नाम ही इसका कि ट्रेड के लिए हेल्पर, ठीक है, तो ये हेल्पर्स है। तो ये कॉमर्स वाला पार्ट था, खत्म हो गया। इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन एक ही बार में लिखने को नहीं आता है, ये क्वेश्चन कोई पार्ट, जैसे कि पूछ लेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, या जेनेटिक क्या होती है, या बताओ असेंबलिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, मतलब किसी एक के बारे में पूछेंगे, आपको विद एग्जांपल बताना है, ठीक है, और आपको बस इसको समझने की जरूरत है, इसको लिखना नहीं है, मतलब नोट्स इसके सब मैं बनवाऊंगा आपको कॉपी, जब ऑनलाइन क्लास होगी हमारी उसके अंदर मैं सब इसके नोट्स बनवाऊंगा आपके, ठीक है।